छोटियारी डैम इरिगेशन थरकोल प्रोजेक्ट में अरबों की करप्शन। इदारा तबाही के किनारे पर, नैब और एंटी करप्शन का किरदार सवालिया निशान। ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग सेल सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन छोटियारी डैम थरकोल प्रोजेक्ट जो के बनने से लेकर अब तक करप्शन की नजर है, जिसमें मनपसंद ठेकेदारों के जरिए जाली NITs, जाली टेंडर्स के जरिए मेंटेनेंस और मुलाजमीन की कंटीजेंसी की आड़ में यूनियन के साथ मिलकर छोटियारी डैम का बुनियादी ढांचा तबाह और बर्बाद कर दिया गया। छोटियारी डैम से लेकर नदी सर तक बनने वाले प्रोजेक्ट पर नाकिस मटेरियल और जालसाजी, एडवांस बिलिंग, मोबिलाइजेशन और रिटायर्ड मुलाजमीन को कंसल्टेंसी दी गई, जिसमें हबीबुल्ला अलमानी, रिटायर्ड रेजिडेंट इंजीनियर सैयद गुलजार अली शाह और रिटायर्ड मुलाजिम महबूब मल्ला और अब्दुल सत्तार सारियो जो के रिटायर होने के बाद भी सरकारी इदारे को लूटते रहे। इसके अलावा लातादाद मुलाजिमीन की कंटीजेंसी की तनख्वाह में से करोड़ों रुपए के फ्रॉड किए गए। फ्यूल पावर प्लांट और दीगर में करोड़ों रुपए की करप्शन। छोटियारी डैम थरकोल प्रोजेक्ट को तबाह करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंजीनियर सुरेश कुमार और चीफ इंजीनियर जरीफ खेड़ो कई सालों से छोटियारी डैम के मालिक बने हुए हैं। सियासी पुष्पनाई की वजह से नैब और दीगर इदारे इनके सामने लाचार नजर आते हैं, जबकि जरीफ खेड़ो चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट रीजन 2 हैदराबाद पर तैनात है और कई सालों से छोटियारी डैम इरिगेशन थरकोल प्रोजेक्ट का मालिक बना हुआ है। और इस करप्शन में एक यूनियन का सदर मोहम्मद ईसा संगरासी इस करप्शन में फ्रंट मैन का किरदार अदा करता रहा है। ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग सेल सिंध ने तमाम नैब इख्तियारियों को रिपोर्ट जारी कर दी और कौमी खजाने को लूटने वालों के खिलाफ नैब में रेफरेंस और सिंध हाई कोर्ट में पटीशन दाखिल करने का ऐलान।